कांग्रेसी नेता, राजनीतिक, भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक मंत्री पतंग राव कदम का निधन शुक्रवार रात को 9:50 को हो गया। वह 74 वर्ष का थे। मुंबई में लीलावती अस्पताल में कैंसर के खिलाफ लड़ाई अंत में विफल रही। उनके निधन ने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र को चौंका दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए लीलावती अस्पताल गए थे। पिछले कुछ महीनों से वे कैंसर से जूझ रहे थे। कदम के परिवार ने उनके इलाज के बारे में गोपनीयता रखी थी। कार्यकर्ताओं, समर्थकों और कांग्रेस पदाधिकारियों को इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। किसी को भी यह जानकारी नहीं दी गई ताकि लोगों को भीड़ के इलाज में बाधा न मिले। इन्हीं रोग से सुरक्षित रूप से बाहर लाने के लिए जिले के कई कार्यकर्ता और करीबी रिश्तेदार प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार शुक्रवार की रात को सभी आश्चर्यजनक समाचार सामने आए और आंखों में कई आंसू उठे। उनका शरीर शनिवार को चुने जाएंगे। पुणे में डेक्कन जिमखाना में उनके निवास पर कुछ समय बाद उन्हें सुबह 8 बजे पुणे के दिनकरी के भारतीय विद्यापीठ में अवलोकन के लिए रखा जाएगा। दोपहर को उनका पार्थिव सामग्री जिले के सोनस गांव में लाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार सोनिंदा चीनी फैक्ट्री के कार्यालय में किया जाएगा। भारती विश्वविद्यालय, भारती बैंक, भारती अस्पताल, भारती बाजार और सोनिया उत्तरी चीनी कारखाने, सागरेश्वर और कृष्णा बिरला सुखिरानी ऐसी बहुत से संगठनों का निर्माण किया। इसने हजारों युवाओं को हजारों नौकरियां प्रदान की। भारती अस्पताल और गरीब बच्चों के विश्वविद्यालय से बीमार रोगियों मुफ्त इलाज की सुविधा किए गए थे। पलिस तालुका और कबीरदाव सिंचाई योजनाओं के माध्यम से और हरित क्रांति की